एनएचएम आसाम स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023। तो फ्रेंड्स, आपका एनएचएम आसाम का स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, आपका ये वीडियो है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन एनएचएम आसाम स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2023। तो फ्रेंड्स, आपका एनएचएम आसाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिलअप करना है जो स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट आया है। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको एनएचएम आसाम का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको इस इंटरफेस पे आना पड़ेगा, यहाँ से आपको अप्लाई करना है। तो इस इंटरफेस पे आपको कैसे आएगा, तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस इंटरफेस पे आपको कैसे आना है। तो उसके पहले आप लोग देख लीजिए कि आपको करेक्ट मेथड में स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो इस इंटरफेस पे आने के बाद आपको यहाँ पे दो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है। तो फर्स्ट हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते। तो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप लोग को लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। और इसका जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 22/12/2023 है। तो मैंने जो एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड वीडियो दिया है उसमें मैंने सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड डिस्कस किया है कि आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन भी क्या है, इसके बाद आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करने के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अकाउंट इन्फॉर्मेशन एंटर करना पड़ेगा। तो अकाउंट इन्फॉर्मेशन में सिलेक्ट पोस्ट, तो आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो स्टाफ नर्स एनएचएम का है तो इस पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल अदर जो भी आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर कर लेना है, लास्ट नेम एंटर कर लेना है, अगर है तो मिडिल नेम तभी एंटर कीजिएगा, नहीं है तो फर्स्ट और लास्ट नेम एंटर कर लीजिएगा। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करना है, इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करना है जो आपको मोबाइल नंबर है, इसके बाद आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है। ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक पॉइंट्स दिया गया है, प्लीज एंटर अकाउंट इन्फॉर्मेशन केयरफुली, देयर आर नॉट एडिटेबल। तो आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन जो है आपको केयरफुली एंटर करना है, क्योंकि ये आपके बाद में एडिटेबल नहीं होगा जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। अगर आपका कुछ मिस्टेक हो गया तो बाद में अगर आपका सिलेक्शन भी हुआ तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। तो आपको एक बार फिलअप करने के बाद एक बार चेक कर लेना है कि आप सारा डिटेल्स करेक्ट है कि नहीं। अगर सारा डिटेल्स करेक्ट है तभी आप लोग नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो आपको एडिट कर लेना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो आपका है यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप लोग ने एंटर किया जो रजिस्ट्रेशन का था, तो आपको इसके बाद वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, इसके बाद क्रिएट पासवर्ड, इसके बाद फिनिश ऑप्शन है। तो वेरिफिकेशन में आपका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया है, ओटीपी एंटर करके वेरीफाई ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। वेरीफाई ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर है वेरीफाइड हो जाएगा, इसके बाद आपको क्रिएट पासवर्ड जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो होगा आपका 8 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए। तो 8 कैरेक्टर से ज्यादा मीन्स आपका एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसमें जो 8 कैरेक्टर का पासवर्ड आप लोग क्रिएट करोगे जनरेट करोगे तो उसमें एक कैपिटल लेटर होना है, इसके बाद एक स्मॉल लेटर होना है, इसके बाद एक आपका न्यूमेरिक वैल्यू जो 1, 2, 3, 4 है, इसके बाद आपका एक स्पेशल कैरेक्टर होना है जिसे आपका @ #, आपका कुछ भी हो सकता है। तो स्पेशल कैरेक्टर या चारों का कॉम्बिनेशन मिला के आपको पासवर्ड जनरेट कर लेना है 8 से 15 या फिर 16 कैरेक्टर के बीच में, ठीक है। तो ये मिनिमम 8 कैरेक्टर है तो 8 कैरेक्टर का होना ही है। इसके बाद री एंटर पासवर्ड करके क्रिएट ऑप्शन जो है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्रिएट पासवर्ड क्लिक करने के बाद आपका जो है पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, क्रिएटेड हो जाएगा, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप। तो आपका जो है फिनिश ऑप्शन हो गया कि आपका जो साइनअप है कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन जो कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे दिया गया है क्लिक हियर फॉर द इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म का इंस्ट्रक्शन दिया है, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। तो आपका साइनअप कंप्लीट हो जाने के बाद आपको जो लॉगिन है यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट यूजर टाइप आया है तो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट क्लिक करना है। इसके बाद सिलेक्ट पोस्ट, तो आप लोग कौन से पोस्ट अप्लाई कर रहे हो, तो स्टाफ नर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड करना है, इसके बाद जो आपने पासवर्ड जनरेट किया वो पासवर्ड एंटर करना है। इसके बाद एक कैप्चा है यहां पे एंटर करके लॉगिन ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। लॉगिन ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है लॉगिन हो जाएगा। तो लॉगिन होने के बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्या क्या फिलअप करना है स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि करेक्ट मेथड में कहां पे क्या फिलअप करना है। तो टोटल आपका यहाँ पे 6 स्टेप कंप्लीट करना है। फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करना है, इसके बाद आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट है। तो आपका एडवर्टाइजमेंट जो स्टाफ नर्स का रिक्रूटमेंट आया उसमें आपका क्वालिफिकेशन जो है आपका बीएससी नर्सिंग होना है, नहीं तो आपका जेएनएम पोस्ट का क्वालिफिकेशन होने से आप लोग अप्लाई कर सकते। इसके बाद आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंटर करना है, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस एंटर करना है, इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, इसके बाद फिनिश। तो यहाँ पे आपको पोस्ट अप्लाई फॉर, तो पोस्ट क्या है, स्टाफ नर्स आपका ऑलरेडी है, इसके बाद फादर्स नेम एंटर करना है, इसका फर्स्ट नेम रहेगा, मिडिल नेम आपका यहाँ पे कुछ भी एंटर करने का जरूरत नहीं क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन के करने के टाइम में सारा डिटेल्स फिलअप किया था। यहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर जो दिया गया है व्हाट्सएप नंबर आपको एंटर करना है जो आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इसके बाद रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, आप लोग कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, इसके बाद कास्ट आपको सिलेक्ट करना है कौन से कास्ट से बिलोंग करते हो, इसके बाद पीडब्ल्यूडी, तो आप लोग पीडब्ल्यूडी सेक्शन से हो क्या, अगर हो तो यस कीजिएगा, नहीं हो तो नो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आसाम नर्सेज मिडवाइफ्स एंड हेल्थ
विजिटर काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका है, तो आपका जो आसाम नर्स मिडवाइफ्स एंड हेल्थ विजिटर काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, जो अपने स्टाफ नर्स करने के टाइम में आपने जो मिला था रजिस्ट्रेशन किया था आपका स्टाफ नर्स का, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका है तो आप लोग एंटर कीजिएगा, नहीं है तो नहीं चाहिए, मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पे रेड स्टार मार्क फिल नहीं है। इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, जो केयर ऑफ है आपको केयर ऑफ एंटर करना है, फादर्स नेम, इसके बाद हाउस नंबर एंटर करना है, विलेज टाउन एंटर करना है, पोस्ट ऑफिस एंटर कर लेना है, पुलिस स्टेशन आपको एंटर करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, आप लोग कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, ठीक है। इसके बाद पिन नंबर एंटर करना है, आपका जो एरिया पिन कोड है। इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, आपको कौन से स्टेट से हो। इसके बाद कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस जो आपका सेम एज परमानेंट, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है का, तो सेम है तो यहाँ पे टिक मार्क करना है, अगर अलग है तो अलग से सारा डिटेल्स फिल कर लेना है। इसके बाद जो अपडेट सेक्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, तो अपडेट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू अपडेट पर्सनल डिटेल्स आएगा, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन था एज पर द एडवर्टाइजमेंट वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट क्या है, तो सिलेक्ट करना है यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसका नेम ऑफ द कोर्स आपका क्या था वो एंटर करना है, कोर्स ड्यूरेशन इन द ईयर कितना था कोर्स ड्यूरेशन आपको वो एंटर करना है, कोर्स स्टार्ट डेट आपको एंटर करना है, कोर्स एंड डेट एंटर करना है, इंस्टीट्यूट नेम आपको क्या था वो एंटर करना है, यूनिवर्सिटी नेम आपको कौन से यूनिवर्सिटी के अंदर में ये कोर्स था वो एंटर करना है, मोड ऑफ द कोर्स तो आपका रेगुलर था ना, कॉरेस्पॉन्डेंट था ना, डिस्टेंस था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट आपको एंटर करना है कि क्या क्या सब्जेक्ट था। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपका कौन सा था वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद परसेंटेज मार्क ऑप्टेन आपको कितना परसेंटेज मार्क ऑप्टेन मिला था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो जिसका जितना परसेंटेज होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट अपना हाईएस्ट परसेंटेज के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा। इसका डिवीजन क्लास ग्रेड आपका क्या था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो अपडेट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। अपडेट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू एड एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है आपको ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद आपका डाटा है अपडेट हो जाएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। फर्स्ट आपका एग्जाम पास, तो आपने क्या एग्जाम पास किया है आपका यहाँ पे कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेजुएशन एचएस एसएलसी पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी एग्जामिनेशन आपने पास किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे एक एक करके सारा आपको सिलेक्ट कर लेना है। सारा सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एड एड ऑप्शन करके सारा डिटेल्स आपका जो है यहाँ पे एंटर कर लेना, आपका कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेजुएशन एचएस एसएलसी पोस्ट ग्रेजुएशन जितना सारा क्वालिफिकेशन है आपको एंटर करना है जो जो है। अगर कोई नहीं है तो आपको एंटर करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा, स्ट्रीम आपको सिलेक्ट करना है कौन से स्ट्रीम से, इंस्टीट्यूट नेम एंटर करना है, यूनिवर्सिटी नेम, कोर्स ड्यूरेशन आपका कितना था, टोटल मार्क्स आपका कितना था, मार्क्स ऑप्टेन आपको कितना मिला था, सर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है, सर डिवीजन क्लास ग्रेड क्या था वो एंटर करना है, इसका मोड ऑफ द कोर्स आपका क्या था, रेगुलर कॉरेस्पॉन्डेंट डिस्टेंस जो था एंटर कर लेना है, सब एडिट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आर यू श्योर यू हैव एंटर ऑल एजुकेशन डिटेल्स एंड वांट टू गो द नेक्स्ट पेज, तो आपको ओके क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट इंटरफेस है ऐसा मिल जाएगा वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको एंटर करना है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन आप लोग काम करते थे, डेजिग्नेशन किया था, नेचर ऑफ ड्यूटी किया था, फ्रॉम डेट टू डेट, फिर सर्विस ड्यूरेशन कितना था वो एंटर करके एड ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद आर यू श्योर वांट टू एंटर द ऑल एक्सपीरियंस है, तो आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है। यहाँ पे ओके क्लिक करने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन में, तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड ऐड करके ऑप्शन क्लिक करना है। जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे डिग्री मार्कशीट है, ठीक है, डिग्री मार्कशीट क्लिक करने के बाद ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे चूज फाइल जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इसके बाद अपलोड सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इसी तरह फिर नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है, फिर ऐड करना है। इसके बाद इसी तरह सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर लेना। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा यू हैव सक्सेसफुली अप्लाई फॉर द पोस्ट स्टाफ नर्स NHN. You can still edit the application as required on or before the last date of submission. तो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हो बाद में, जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है, लास्ट डेट तो आपका 22/12/2023 है, 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर तक आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है आप लोग एडिट कर सकते हो। अगर कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो कि आपको पता चले कि नहीं मैंने वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया, तो आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है, अप टू लास्ट डेट। लास्ट डेट के बाद आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसी तरह अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है स्टेप बाई स्टेप फॉलो करके, प्रोसेस फॉलो करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू व्यू द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन फॉर्म है आपको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज। इसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, इंटरव्यू पे कहाँ जाना है उसके रिलेटेड भी मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। जब नोटिस पब्लिश होगा आपका जो मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा, डेट ऑफ इंटरव्यू, टाइम
ऑफ इंटरव्यू, प्लेस ऑफ इंटरव्यू जो भी आएगा तो आपको इस चैनल पे मैंने वीडियो के थ्रू आपको प्रोवाइड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको इस इंटरफेस पे कैसे आना है, तो इस इंटरफेस पे आने के लिए आपका जो एनएचएम का ऑफिशियल वेबसाइट है nhmassam.gov.in जो है यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेशनल हेल्थ मिशन जो है यहाँ पे क्लिक करना है आसाम जो है। इसके बाद ऐसा आएगा, ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आपका ऐसा खुल जाएगा, यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट डिटेल जो है यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का है, रिक्रूटमेंट नोटिस एंड रिजल्ट जो दिख रहा है, मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ स्टाफ नर्स अंडर एनएचएम जो है यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन जो है यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस है आपका अप्लाई ऑनलाइन जो करना है, आपका नेक्स्ट इंटरफेस ऐसा खुल जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल था। तो मैंने जूम किया था, मैं तो अनजूम कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ऐसा खुल जाएगा। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद वापस ऐसा लॉग इन करना है। तो रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। तो आपको इस तरह इस इंटरफेस पे आना है। नहीं तो आपका जो ये जो लिंक है, ये लिंक अप्लाई करने का जो लिंक है आपको मैं डेस्टिनेशन पे प्रोवाइड कर दूंगा। डेस्टिनेशन का लिंक क्लिक करके आप लोग डायरेक्ट इस इंटरफेस पे आ सकती हो। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला या फिर हेल्पफुल लगा, तो फ्रेंड्स ये वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा जिसको स्टाफ नर्स का ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप करना है आपका फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में। तो फ्रेंड्स अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, डिस्क्रिप्शन का लिंक क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इंस्टेंट अपडेट। तो फ्रेंड्स फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।